पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसी हफ्ते 3 दिनों की सऊदी अरब यात्रा से लौटे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और विपक्ष इमरान खान के दौरे को नाकाम और भीख मांगने वाला बता रहे हैं। इमरान के साथ कई मंत्री भी इस दौरे में गए थे, इनमें होम मिनिस्टर शेख रशीद भी शामिल थे। इमरान सरकार को उम्मीद थी कि सऊदी अरब सरकार अपने जेल में बंद करीब 1100 पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा कर देगी, ऐसा नहीं हुआ और ये बात खुद शेख रशीद ने मुल्क वापसी पर कबूल की। रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा, सऊदी हमारे कैदियों को रिहा करने को तैयार नहीं है, ये तभी हो सकता है जब हम जुर्माने के 1 अरब रुपये सऊदी अरब सरकार को देंगे। रशीद पहले रेल मंत्री थे, बाद में उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया है। एक सवाल के जवाब में रशीद ने कहा, 110 कैदी ऐसे हैं जिनमें हम पाकिस्तानी जेलों में शिफ्ट करा सकते हैं। 22 पर ड्रग्स स्मगलिंग और 8 पर मर्डर केस चल रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि वो 1 अरब रुपये का बंदोबस्त कर दे ताकि हम इन कैदियों को मुल्क वापस ला सकें। रशीद ने कहा, ईद के बाद हम कैबिनेट मीटिंग में इसका प्रस्ताव लाएंगे। अगर हम 1 अरब रुपये का इंतजाम कर पाए तो हमने उन भाइयों को ला सकते जो 2005 या 2007 से सऊदी के जेलों में पड़े हैं। इनमें से कुछ कैदियों को पाकिस्तान लाकर नियमों के तहत माफी दी जा सकती है। खास बात यह है कि रशीद ने आंकड़ों को 1100 कैदियों का दिया, लेकिन जुर्माने की राशि बताते हुए सिर्फ 110 कैदियों का जिक्र किया। अब सवाल यह है कि अगर 110 कैदियों का जुर्माना 1 अरब पाकिस्तानी रुपए है तो 1100 कैदियों का कुल जुर्माना कितना होगा, और अगर सरकार 1 अरब रुपए का बंदोबस्त नहीं कर पा रही है तो 1100 कैदियों की सऊदी से रिहाई कैसे कर पाएगी। सऊदी अरब यात्रा पर जाने से पहले इमरान खान और शेख रशीद दोनों ने दावा किया था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सरकार संदावना दिखाते हुए पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर देगी। रिहाई तो दूर, इस मामले का जिक्र आधिकारिक बयान में तक नहीं दिया गया। दरअसल इमरान सरकार पर उन कैदियों के परिवारों का भारी दबाव है जिनके परिजन सऊदी जेलों में बंद है। इनमें से कई परिवार सियासी और आर्थिक रसूख वाले हैं, लेकिन वे इसीलिए मजबूर हैं क्योंकि रिहाई का काम सरकार और सऊदी में पाकिस्तानी एम्बेसी का है। पाकिस्तान ने 2018 के बाद विदेशी जेलों में बंद अपने नागरिकों को आंकड़े जारी नहीं किए हैं। 3 साल पहले संसद में इन कैदियों की संख्या 11,879 बताई गई थी। इसके बाद नए आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले खाड़ी देशों में ही पाकिस्तान के करीब 8,000 कैदी जेलों में मौजूद है।